गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम आपको एक भजन सिखाएंगे और उसके पहले मैंने आपको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखाए थे, जय जय भारत भारती, और किस तरह से उसे बजाना है और किस तरह से बजा के गाना है ये मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा, ये भजन है कबीर दास की। कबीर भजन और निर्गुण दोनों के लिए जाने जाते हैं। निर्गुण भजन, भजन वो है जो भक्ति और ईश्वर की आराधना को हम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वह गीत, या यूं कहें कि गीत का वह प्रकार जिसमें ईश्वर भक्ति की प्रेरणा रहती है, उसे भजन कहते हैं। और फिर हम उसको गाते हैं अपने आराध्य, अपने देवता, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको अपने अपने शब्दों के अनुसार, अपने अपने पोइट्री से, अपने अपने कंपोजिशन से धुन में बांध कर उन्हें हम मनाने की कोशिश करते हैं। हम भजन के द्वारा अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। निर्गुण भी भजन ही है, लेकिन है ये कि उसमें कुछ सच्चाई बताई जाती है। निर्गुण का ये रहता है उनकी शब्दों में कि जीवन में ईश्वर भक्ति के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो व्यर्थ है। उसमें सिर्फ ईश्वर भक्ति की ही प्रधानता होती है। जैसे कि कबीर दास लिखते हैं इस भजन में कि मानत नाही मन मोरा साधो, बार बार मैं यह समझायो जग जीवन है थोड़ा। मतलब जिंदगी बहुत छोटी सी है, फिर भी हम समझते नहीं हैं और अपने कामों में अपनी जरूरतों के हिसाब से हम भागदौड़ और भटकते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि या देह का गर्व न करिए, क्या सांवर क्या गोरा। इस शरीर का आप अभिमान न करें, या वो शरीर गोरा हो या काला हो, क्योंकि बिन भक्ति तन काम न आए कोटि सुगंध चपोरा। बगैर ईश्वर भक्ति के ये शरीर काम में आने वाला नहीं है, चाहे हम लाख सुगंधी चपोरा परफ्यूम लगा लें, मेकअप कर लें, ये सारी चीजें व्यर्थ है अगर हम ईश्वर भक्ति नहीं कहते हैं। तो इस तरह की भावनाओं से जो ओत प्रोत कविताएं होती है वो निर्गुण कहलाता है। चलिए मैं आपको गाकर बताता हूं इसकी कंपोजिशन, और फिर मैं आपको इसका नोट्स बताऊंगा कि आप किस तरह से बजा के गा सकते हैं। मन मोरा साधो,
मनत नाही मन मोरा चरण चित राखो कहते कब
कबीर चरण चित रखो जो सुई में डोरा। यहाँ वेरिएशन भी दे सकते हैं, जो सुई में डोरा समझायो बार बार मैं ये समझायो जग जी बन है थोड़ा मन इतना ही मन मोरा सारो मन इतना पहला अंतरा मैंने बताया था। दूसरे अंतरे को हम यूं समझ लें थोड़ा सा कि या माया का गर्व न कीजिए, क्या हाथी क्या घोड़ा। ये हाथी घोड़ा इन द सेंस प्रॉपर्टी से है, और ये जितनी चीजें हैं हाथी घोड़ा जो इसको हम कह सकते हैं फोर व्हीलर, ये प्रॉपर्टीज, ये इसको सब कबीरदास अपनी काव्य के माध्यम से बताएं कि सब ये व्यर्थ है, सब निरर्थक है, ये किसी काम का नहीं है। या माया का गर्व न कीजिए, मतलब अहंकार मत कीजिए, क्या हाथी क्या घोड़ा गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो। जोरी जोरी धन बहुत बटोरा, लाखों कोटि करोड़ा, आपने एक एक पैसे इकट्ठे करके भले आपने लाखों करोड़ों कमा लिया हो, लेकिन इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक आप ईश्वर भक्ति नहीं करते। अब किस तरह की ईश्वर भक्ति हो, तो जैसे कहा है कि लेत उठाए परत भूमि गिरी गिरी, लेत उठा, जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने गोदी में उठा लेती है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है और बार बार चलने की कोशिश में गिरता है तो माँ उसे कोरा मीन्स गोदी कहते हैं, गोद में उठा लेना, और माँ उसे अपने गोद में उठा लेती है और बच्चा महफूज होता है, सुरक्षित होता है, वो गिरता नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, जिस प्रकार के सुई में डोरे को जब हम डालते हैं, सुई में धागे को पिरोते हैं, तो किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सिर्फ सुई के पास को देखते हैं और धागे को कॉन्सेंट्रेट करके उसको हम पिरोने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार के आप प्रभु के चरणों में ठीक उसी प्रकार ध्यान लगाएं, उसी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें जिस तरह से कि आप सुई के पास में धागों को पहनाने की कोशिश करते हैं, तो आप जब भी गिरेंगे उस माँ की तरह वो ईश्वर आपको अपनी गोद में उठा लेता है या अपना सहारा देता है। कहने का सार इतना ही है। चलिए अब इसके नोट्स को मैं आपको गा के बताता हूँ। जैसे मन इतना ही पागल सा, मन इतना ही पागल सा, मन मोरा निधर मन मोरा निदरे रे रसधु रे रे गरे सा, शब्दों के साथ जैसे पगरे सा निदरे रे करे सा, मनत नाही मन मोरा सारो, इसमें सा रे कोमल है, व शुद्ध है, नी खरज का है, ध शुद्ध खरज का प्रयोग किया है अभी तक। फिर क्रॉस लाइन इसका, बार बार मैं सा सा ध ध ध
ये समझायो पर प पर पम प प बार बार मैं सा सा दा 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 पध पम प ये समझायो। इसका फिर क्या था कनेक्टिंग नो समझायो फिर करेंगे बार बार समझायो पम प गरे सा ठीक है बार बार मैं ये समझायो सा सा दा 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 पद पम प गरे सा। सेकेंड में क्या है बार बार मैं सा सा दा दा बाकी एज इट इज है ये समझायो। सेकेंड टाइम बार बार मैं सा सा दा दा ये समझायो पद पम प प ये दा कोमल लग गया फिर ये समझायो पद प पद पम प प जग जीवन है कोमल था दा 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 पद म थोड़ा पम ग आ गम प गम ग रे सा आ थोड़ा मनत नाय मन मोरा सा। यहां तक ठीक है इसका अंतर बताता हूं पद सानी रे सा बिन भक्ति तन फर्स्ट ये ग पद सारे सा। इसका सेकंड वेरिएशन क्या करते हैं बिन भक्ति तन ग पद सारे गे सा बिन भक्ति तन ग पद सानी रे सा
कामना निसा निदापा, ये धा कोमल है, निसा निदापा बिन भक्ति तन कामना निसा निदापा आए पद निदाप मग पद निदाप मग सेकंड में क्या कहते बिन भक्ति तन गबद सारे गरे सा कामना निसा निदाप आए पद कोटि सुगंधि दाद पद पम चपोरा पम गम प गम गरे सा आ चपोरा मनत नाही मन मोरा मन मोरा सेकंड अंतर भी सेम है, उसके भी नोट्स ऐसे ही बजेंगे। तो मैं आपको, चूंकि वीडियो का ड्यूरेशन 25 टू 30 मिनट्स है, तो मैं आपको आखिरी अंतरे का बताता हूँ जो थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि एक जैसा कंपोजिशन मोनोटोनस लगने लगता है। तो लास्ट में कि लेत उठाए परत भूमि गिरे गिरे, लेत उठाए खरज के नोट है परे सा, ये भजन मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरी कंपोजिशन है और मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे मेरी ये कंपोजिशन, और इसलिए मुझे लगा कि मैं ये इस गीत को, इस भजन को मैं आपको जरूर सिखाऊं। लेत उठाए परे सा परत भूमि सा सारे सानी परत भूमि गिरे गिरे रे गरे गा परे सारे ने सारे सानी रे गरे गा परत भूमि गिरे गिरे जो बालक फिर एज इट इज पदनिद जो बालक बिन कोरा पम पगरे सा कोरा पग पगरे सा मनी लगाएंगे कोरा पग पगरे सा लेत उठाए परत भूमि गिरे गिरे जो बालक बिन कोरा कहते कबीर गबद सानी रे सा चरण चित राखो सानी सनी द पैदनी दनी नी द पवम राखो जो सुई में दाद पद पम डोरा पम ये वेरिएशन पर जो सुई में डोरा मन नाई
pama pae pae da sa da pa ga pama samjhayo re bhi laga pama pae pae जायो पर पार में ये सब जायो। इसमें एक नोट तीब्रमा भी लगा सकते हैं, सब जायो पर पार में, लेकिन रेयरली ये सब जायो। जीवन थोड़ा मन इतना मन मरा सदो मन इतना मन मरा सदो। ये बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही टची कंपोजिशन है इसकी। शायद मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो क्योंकि ये मेरी कंपोजिशन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप इसे सुनकर और सीखें। कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। Have a nice day. Take care, all of you. Bye-bye.